हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कैन। स्टूडेंट, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज वीडियो में मैं क्लास टेंथ आप लोगों के हर साल पूछे जाने वाले साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, हर साल जो पूछे जाते हैं वो उसके मैं पूरा का पूरा लिस्ट लेकर आया हूँ और उससे बार एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी 100% है। ठीक है, जो हर साल पूछे जाते हैं वही प्रश्न लिया हूँ। ठीक है, जो की बहुत ही ज्यादा रिपीटेड होते हैं। जैसा की पहला आप क्वेश्चन देख सकते हो, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस बार टारगेट हम लोगों का 95% है, बोर्ड में बिल्कुल टॉप कराने का टारगेट में लेके चल रहा हूँ, 100% करा के रहूंगा, मेरा वादा है। बस आप सपोर्ट करते रहिए मुझे और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने जहां जितने भी फ्रेंड आपके पास है। पहला प्रश्न देखो कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है, और आप लोग भी इस क्वेश्चन को देख के जान जाओगे। ये क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो तुरंत देख के जान जाओगे कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। देखिए एनसीईआरटी का यह प्रश्न है 2022-2023, ज्यादा तो अंदर में नहीं जा रहा हूँ, 2022 से 2023 का आप ले लो कि लगातार ये प्रश्न दोनों साल से आ रहे हैं, 2024 में भी 100% आने वाला है। क्या होता है संयोजन वियोजन अभिक्रिया, इसे देखेंगे बहुत डिटेल में। पहले आप हेडिंग डालना है, संयोजन अभिक्रिया, हेडिंग आप डाल लिए। इसके बाद देखो, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। मतलब कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ के अणु बनाए, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आपको और स्पष्ट होगा, जैसे यहाँ पे सोडियम धातु है और उसे क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। ठीक है, देखो एक तो आपका सोडियम हुआ, एक आपका क्लोरीन हुआ, ये दो अलग पदार्थ हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, अभी आपस में जुड़कर सिर्फ एक पदार्थ बना रहे हैं, वो है आपका सोडियम क्लोराइड। तो वही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर सिर्फ एक पदार्थ बनाए, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। दूसरा दूसरा आपका है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत संपन्न होती है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, मतलब वियोजन अभिक्रिया क्या कर रहा है, जस्ट उसका उल्टा, संयोजन का जस्ट उल्टा। संयोजन में क्या होता था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते थे, लेकिन वियोजन में क्या होगा कि एक पदार्थ जो है वो कई कई पदार्थों में टूट जाएगा, सिर्फ एक पदार्थ कई पदार्थों में टूट जाएगा, उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है, प्रकाश के द्वारा होती है और विद्युत द्वारा होती है। और यहाँ पे बोला कि वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, कौन कौन, एक तो आपका ऊष्मीय वियोजन होता है। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। कह रहा है कि कोई भी पदार्थ वियोजन की अभिक्रिया, कह रहा कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया अगर ऊष्मा देने के कारण होगी तो ऊष्मीय वियोजन कहलाएगी। सिंपल उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण है पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन यह ऊष्मा के द्वारा होता है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। तो यह अभिक्रिया किसके द्वारा हुआ है, गर्म करने पर, ऊष्मा के द्वारा, इसलिए ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। देखो पोटेशियम क्लोरेट है, उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। यहाँ पे आप गर्म भी लिख सकते हो या ऊष्मा भी लिख सकते हो, ऊष्मा प्रदान करने पे या गर्म करने पर यह अभिक्रिया हो रही है। तो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर वो पोटेशियम क्लोराइड में तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है। तो कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में भी कौन सा है, ऊष्मीय वियोजन है। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा के द्वारा हो रहा है। इसके बाद दूसरा प्रकार है विद्युत वियोजन, एक ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन। वो लिखेंगे हेडिंग डाल के कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में गलित अवस्था में या जलीय विलयन में
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन होता है उसे हम विद्युतान वियोजन कहते हैं। मतलब विद्युत के द्वारा जो अभिक्रिया हो, उदाहरण में एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन। जो सोडियम क्लोराइड का वियोजन होता है वो विद्युत के द्वारा होता है। कैसे, देखो कह रहा है कि गलित सोडियम क्लोराइड में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। देखो जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को जब हम इसमें विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं, जब इसमें हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं तो ये किसमें चेंज हो जा रहा है, तो ये आपका सोडियम और क्लोरीन में बदल जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया है। देखिए वियोजन अभिक्रिया में भी अगर विद्युत धारा से अभिक्रिया हो रही है तो ये आपका आपका विद्युत वियोजन कहलाएगा। ठीक है, चलो यहां तक आपको समझ में आ गया ना, दोनों संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया खत्म। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा मेरे प्यारा बच्चों, पहला प्रश्न था, प्रश्न नंबर दूसरा है कि उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखो यह प्रश्न कितना लगातार पूछा गया है, 2013, 15 में, 17 में, 19 में, 22 में और 23 में, और 100% मेरी गारंटी है कि 2024 में आने वाला है। ठीक है, बस इसको आप तैयार कर लो अच्छे से। क्या है उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी ऊर्जा निकलती है। कह रहा है कि जिसमें अगर आप कोई भी रिएक्शन देख रहे हो, अगर उसमें उत्पाद जो होता है, इधर अभिकर्मक होता है, इधर उत्पाद, अगर उत्पाद के साथ साथ अगर ऊर्जा निकल रही है तो 100% ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको मैंने जल से अभिक्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ ही साथ उसमें ऊर्जा भी निकला। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो जाते हो मार्केट से चूना खरीद के लेके आते हो, उसको जब पानी में भिगोते हो तो खौलने लगता है, बिल्कुल हीट हो जाता है, उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है। तो ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगा, और उसका हमने उदाहरण दे दिया आप लोगों को। चलो अब अगला है उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब इसमें तो ऊर्जा निकल रहा था, इसमें ऊर्जा खर्च होता है, ऊर्जा दोगे तभी अभिक्रिया होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखो जैसे H2O जल है, तो जल है तो जल में पहले हम लोग ऊष्मा करेंगे, मतलब जल है उसको हम गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, जब वो गर्म होगा तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूटेगा। तो भाई पहले ही हम उसको ऊर्जा दे रहे हैं, मतलब ऊष्मा को सोख रहा है पहले ही, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। चलो प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। ऐसे ऐसे प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों, एक प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, सारे एग्जाम में आएंगे, 100% मेरी गारंटी है। हर साल पढ़ाता हूँ, हर साल बच्चे टॉप करके आते हैं। चलो प्रश्न नंबर तीसरा देखो कि अम्ल क्षार लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में जरूर पूछेगा, तीनों साथ में ही पूछता है कि उसका परिभाषा और एक एक उदाहरण दीजिए। चलो सबसे पहले हम लोग अम्ल के देखते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जिसे जल में घोलने पर वो क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है, अगर HCl को हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो HCl जलीय विलयन में जब जाएगा तो वो दो भागों में टूट जाएगा, एक तो हाइड्रोजन प्लस में और क्लोरीन माइनस में, तो H+ हाइड्रोजन आयन इसी को कहते हैं। तो जो H+ में टूट जाए उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, सिंपल। क्षार किसे कहते हैं, तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। मतलब सिर्फ आपको OH ऋणात्मक ही देगा और कोई ऋणात्मक आयन नहीं दे सकता, सिर्फ OH- ही देगा। जैसे उदाहरण पे समझो सोडियम ऑक्साइड है NaOH, ठीक है, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब हम लोग गर्म कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो देखो सोडियम में टूट रहा है और OH- में टूट रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन में टूट रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। जो H+ में टूटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल। जो OH- में टूटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, सिंपल। लवण किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन या हाइड्रोक्सिल आयन OH के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो, लवण कहलाता है। मतलब इसमें दोनों ही आ जाएंगे आपके, जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट उदाहरण में हमने लिया, जिंक सल्फेट को जब हम लोग तोड़ रहे हैं तो देखो जिंक
धनायन में भी टूट रहा है, ISO4 आपके ऋणायन में भी टूट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, लवण कहलाएगा, सिंपल। चलो प्रश्न नंबर फोर देखो, प्रश्न नंबर फोर है कि विरंजक चूर्ण को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम गुण उपयोग लिखिए। देखो 2013 में प्रश्न, 15 में प्रश्न, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, बताओ लगातार आ रहे हैं, तो 2024 का भी लिस्ट इसमें आप जोड़ सकते हो और इसे याद कर लो। क्या है उत्तर, तो ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अतः इसका सूत्र जो होता है, अणु सूत्र, वो होता है आपका CaOCl2। ठीक है, बहुविकल्पी में तो भी पूछ लेता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताओ, अणु सूत्र, तो CaOCl2 याद रखना। बनाने की विधि क्या होती है, तो यह सूखे बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें अगर हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। ये एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, उसको बनाने की विधि का हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। उपयोग देखते हैं इसका, चलिए उपयोग से पहले गुड़ इसका देख लेते हैं, गुड़ भी पूछा था ना। गुड़ क्या है, पहला यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि क्लोरीन की गंध आती रहती है, पहला गुड़। दूसरा गुण, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है और इसका जलीय विलयन कैसा हो जाता है, दूधिया होता है। दो गुण हमने बहुत अच्छे अच्छे आपको बता दिए, याद भी हो जाएगा। उपयोग की अगर हम बात करें तो उपयोग में पहला ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए किया जाता है, दूसरा आक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तीसरा क्लोरोफार्म बनाने में भी किया जाता है, और चौथा चीनी को सफेद करने में भी किया जाता है, पांचवा पेय जल को जीवाणु रहित करने में, तो उनके बैक्टीरिया को मारने में भी किया जाता है। ठीक है, पांच हमने उपयोग बता दिया। चलो पांचवा प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न है बेकिंग सोडा की विधि, गुड़, अणु सूत्र लिखिए तथा उपयोग बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन है 2014, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, अब लो 24 भी ऐड करो इसमें, कह रहा हूं ना एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस आप इसको नोट करके याद तो करो। देखो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, चाहे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अतः अणु सूत्र की अगर हम बात करें तो अणु सूत्र होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3। और बनाने की अगर हम विधि बात करें कि बनाने की विधि क्या होता है इसका, तो देखो बनाने की विधि होता है, इसके निर्माण के लिए साधारण नमक NaCl, जल H2O वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अभिक्रिया किससे करानी पड़ती है, अमोनिया से कराई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो NaCl नमक हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यह जल। जब इसको हमने मिक्स करके बनाया तो अमोनिया क्लोराइड NH4Cl बना और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बना। ठीक है, चलिए उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, रसोई घर में किया जाता है, स्वादिष्ट खस्ता और पकौड़ा बनाने के लिए, ठीक है, किया जाता है, इसका उपयोग लिख लो। चलो अब प्रश्न नंबर सिक्स, धावन सोडा, धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका एक उपयोग लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, या तो आपको धावन सोडा या तो बेकिंग सोडा दोनों साथ में दे देता है, या दोनों में से कोई एक जरूर देगा आपको। तो धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका उपयोग लिखिए, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, प्रश्न लगातार पूछे गए, तब मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर में आप क्या लिखोगे, उत्तर में आप लिखोगे कि धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। वह इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2, मतलब जल के 10 यहाँ पे अणु रहते हैं, Na2CO3.10H2 इसका क्या होता है, अणु सूत्र होता है। और कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर वह सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है, तो कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। जैसा देखो NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है आपका कास्टिक सोडा, इसमें जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहे हैं
तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूटा है Na2CO3 में, और साथ ही साथ इसमें जल भी निकल रहा है, बस हो गया। और उसमें एक लाइन और लिखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट को कपड़ा धोने का सोडा भी कहा जाता है, तथा सोडा एस नाम से भी इसे जाना जाता है, सोडा एस नाम से भी जाना जाता है। उपयोग की अगर हम बात करें तो कपड़े धोने में, जिससे आप लोग कपड़ा धोते हो, जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए यह भी प्रश्न हो गया। अब सातवां प्रश्न देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखो 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में प्रश्न पूछा गया है कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको साफ क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि मैग्नीशियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु है, मतलब बहुत जल्दी ही क्रिया कर लेती है। जब यह खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह जो होती है वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। जैसे होगा क्या कि जैसे हम लोग यह आपका मैग्नीशियम जो है उसको अगर हम बाहर छोड़ देंगे तो बाहर आपके वायु में क्या है, ऑक्सीजन घूम रहे हैं, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इस पे परत धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीजन के ऑक्साइड का परत जम जाता है इस पे। वही बोला है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफी स्थिर होती है, मतलब उसमें जमी रहती है, और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। जब इसे जलाओगे तो ऑक्सीजन से ही जलाओगे, जब इसे जलाओगे तो खुद ऑलरेडी इस पे चिपका हुआ है तो ऑक्सीजन से कैसे जलेगा, ऑलरेडी इस पे आपके ऑक्साइड जमे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग रगड़ते हैं, रिबन को हम लोग साफ करते हैं कि ऑक्सीजन का जो पहला वाला टुकड़ा है वो साफ हो जाए, लोहा दिखे, अब उसको जलाएंगे तो जलेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है, और इस परत को हटाने के लिए रिबन को हम लोग रेत मालेट बालू पेपर मिलता है। ठीक है, उससे हम लोग रेत माल से साफ किया जाता है इसको, तब जाके वो अभिक्रिया कर पाएगा और जल पाएगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर आठवां, प्रश्न नंबर आठवां है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। वर्णन कीजिए श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखो 2013 में, 14 में, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 सब में पूछा गया है। मैंने कहा ना कि काफी रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हर साल एग्जाम में आते हैं, बस वीडियो को आप लाइक कर दो, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी आप लोगों की 70 में 70 नंबर लाने की, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है। बिल्कुल, जब हम लोग खाना खाते हैं तो पीसते पीसते छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, और इन कणों में जो मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स होता है वे हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है, साथ ही वहां श्वास द्वारा ली गई जो ऑक्सीजन भी पहुंचती है, अतः श्वसन की प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन व ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए श्वसन को ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। जैसे देखो जब हम लोग खाना खाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो भोजन जो है लास्ट में जाके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर ग्लूकोज के फॉर्म में इंक्लूड हो जाता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस सांस के माध्यम से जो ऑक्सीजन जाता है वो ग्लूकोज से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो कि हम लोग बाहर छोड़ते हैं, साथ ही साथ जल बनाता है जो हमारे शरीर से निकलता है, और साथ ही साथ उसमें से ऊर्जा भी निकलती है। तो ऊर्जा निकल रही है तो भाई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया तो कहलाएगा ही। तो वही कह रहा है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं बताइए, तो वही हमने डिटेल में बताया आप लोगों को। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। 2014 में, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, साथ ही साथ आपके 22 में और 23 में भी प्रश्न पूछा गया है, अभी हाल ही में जो एग्जाम 23 में हुए उसमें। तो लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, सबको मालूम है कि हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं ताकि वह वस्तु जो है संक्षारण से बच सके। किससे बच सके, संक्षारण से बच सके। पेंट के द्वारा लोहे की वस्तु का आर्द्रता व वायु से संपर्क टूट जाता है, जैसे पेंट कर दोगे तो उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया वो नहीं कर पाएगा, आर्द्रता मतलब वायु में जो नमी होती है उससे अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिससे संक्षारण नहीं होता है। बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोहे को पेंट करते हैं कि इस पे अगर पेंट की परत चढ़ जाएगी तो वातावरण में जितने भी ऑक्सीजन और आर्द्रता है उससे संपर्क हो ही नहीं पाएगा, तो वहां से रिएक्शन कहाँ कर पाएगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10वां कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को कह रहा है कि तैलीय चीज जो तेल से बनी चीज होती है उसको हम नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं उसमें।
ठीक है। तो देखो उत्तर में लिखे, ये भी प्रश्न देख लो, 13 में 14 में 15 16 17 18 19 20 22 23 लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखो चलो देखते हैं, कह रहा है कि तली हुई चीजों जैसे चिप्स हुआ आदि के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भर दी जाती है जिससे चिप्स का उपचयन न हो। कह रहा है कि तैली वाला चीज जैसे पैकेट वाला चीज जाते हो कुरकुरे खरीदने के लिए, चिप्स खरीदने के लिए, बहुत सारी चीजें जो पैकेट में पैक होती हैं, उसमें उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरा निकालने के बाद उसमें नाइट्रोजन भर के पैक कर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन अभिक्रियाशील नहीं है। ठीक है, अभिक्रियाशील नहीं है, अगर ऑक्सीजन रहता तो अभिक्रियाशील हो जाता और उसका स्वाद गंध में बदल जाता और बिल्कुल बेकार हो जाता है। कभी भी नोटिस कीजिएगा कि अगर चिप्स एक पैकेट खरीद के लेके आ रहे हो, उसको फाड़ कर दो ठे खा लो और बाकी रख दो, उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर देगा, 2-4 घंटे में उसका स्वाद पूरा हर एक चीज बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है कि ताकि वो खराब ना हो, 2 महीने 2 साल 3 साल तक चलता रहे। जैसे उसको फाड़ोगे ऑक्सीजन उसमें प्रवेश करेगा, रिएक्शन होना चालू हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि इन पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक को एक एक उदाहरण दीजिए। कौन कौन? संक्षारण, देखो संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है, ये ऐसे दो टॉपिक हैं कि हमेशा से पूछे गए हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 लगातार, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सारे लोग जानते हैं कि प्रश्न पूछा ही जाता है। सबसे पहले हेडिंग डालोगे क्या, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, अभी हमने देखा कि लोहे पर पेंट क्यों करते हैं, वही तो है संक्षारण। धातुएं अपनी आसपास उपस्थित नमी के कारण, अम्ल के कारण, जल आदि के संपर्क में आने पर खराब होने लगती है तथा यह प्रतिक्रिया ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का मतलब तो यही होता है, कोई चीज अगर एक वस्तु यहाँ रख देता हूं तो बाहरी नमी के कारण, अम्ल के कारण या जल के कारण, उसपे संपर्क के कारण जब उसपे मिलेगा तो धीरे धीरे खराब होने लगता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चलो विकृत गंधिता किसे कहते हैं उसे देखते हैं। देखो और उदाहरण उसका पहले उदाहरण लिख लो संक्षारण का उदाहरण, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के गहनों पर काले रंग की परत चढ़ना, तांबे पर हरी रंग की परत चढ़ना, ये सब संक्षारण के क्या है, उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना जैसे अभी हमने देखा। विकृत गंधिता किसे कहते हैं इसे नोट करो। तो देखो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों के समय के साथ अपने आसपास मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं जिससे इनका स्वाद व गंध खराब हो जाता है, अर्थात यह खाद्य विकृत गंधिता हो जाते हैं तथा यह प्रतिक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। अभी हमने कहा ना कि चिप्स में नाइट्रोजन भरा जाता है, वही चीज उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। वही कह रहा है कि तेल से बनी कोई भी खाद्य पदार्थ है, अगर उस वह खुला छोड़ दोगे तो समय के साथ उस बाहरी वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है और इसलिए उनका स्वाद और गंध जो है खराब होने लगता है, और उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण में जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, अभी हमने बताया कि चिप्स के पैक में बहुत जो भी पैकिंग होता है उसमें सभी में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, इसलिए भरी जाती है कि ताकि उसमें ऑक्सीजन न प्रवेश कर पाए, नहीं तो विकृत गंधिता कर देगा, उसके स्वाद को गंध को खराब कर देगा। ठीक है, ये रहा मेरे प्यार बच्चों आज वीडियो में बस इतना ही, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, अभी बहुत सारे हैं, ऐसा मत सोचो कि बस इतना ही रिपीटेड क्वेश्चन, अभी आगे बहुत हैं, उसको भी मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताना वाला, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल 70 में 70 नंबर की मैं तैयारी कराने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।